बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज का व्लॉग शुरू करते हैं जी। तो अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो जिस तरह जी आज सीडी वालों के लिए खुशखबरी है, तो रुमान गार्डन फेज 7 वालों ने आज ऐलान किया है कि 29 अगस्त बरोज मंगल सीडी का काम शुरू होगा। तो इसी के साथ जनाब सब भाइयों को बड़ी बड़ी मुबारक हो, सीडी वालों को। तो इंशाल्लाह मंगल वाले दिन, कल मंगल वाला दिन है 29 अगस्त, तो कल से काम स्टार्ट हो जाएगा 29 अगस्त वाले दिन। तो तकरीबन 3-4 महीने के अंदर वो डेवलप हो जाएगा। सारा डेवलप नहीं होगा, लेकिन एक वो कच्ची पक्की सड़कें जो हैं वो डाल देंगे, और तकरीबन नए साल तक वो बिल्कुल प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाएगा। तो इंशाल्लाह नए साल में आपको प्रदर्शन मिल ही जाएगा। लेकिन खुशखबरी सबसे बड़ी यही है कि जो उन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि 29 अगस्त बरोज मंगल को सीडी का काम शुरू कर देंगे। तो ये जनाब सीडी वालों की हो गई है चांदी। तो आज चांदी हो गई है जी, और सोना उस दिन होगा जिस दिन वो प्रदर्शन आपको मिल जाएगा। तो चलें, चांदी तो हुई और सोना भी इंशाल्लाह हो जाएगा। तो ये बड़ी खुशखबरी है जी सीडी वालों को। तो काफ़ी बेचैनी से इंतज़ार था इनको कि सीडी वाले का बड़ा, मतलब के कह रहे थे यार अभी तक कुछ हुआ नहीं है, तो पहले ब्लॉक बन गए हैं तो सीडी अभी तक नहीं तैयार हुआ। तो ये जनाब आज उन्होंने ऐलान कर दिया है कि सीडी को मंगल वाले दिन मशीनरी उसमें घुसा देंगे और सीडी तैयार होना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं सीडी की लोकेशन आपको दिखा देता हूँ जाके जनाब। तो इंशाल्लाह जब वो कल काम स्टार्ट होगा और मशीनरी उधर लगेगी, तो फिर इंशाल्लाह व्लॉग बनाएंगे उनका, तो थोड़ा सा निशानदेही हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह उधर जाएंगे और आपको सही लोकेशन जो है वो दिखाएंगे। तो जिस तरह ये मैं नहर पार कर गया हूँ, और ये सामने बिल्कुल आगे हैदर ब्लॉक में जा रहा हूँ, तो उधर से आगे अली ब्लॉक क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके तो सामने सीडी। तो सीडी वालों का बड़ा इंतज़ार था जी, तो इंशाल्लाह उनकी इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। तो जिस तरह एक बंदे ने रोज़ा रखा होता तो वो बड़ा इंतज़ार में रहता है शाम तक अजान हो जाए और रोज़ा खुल जाए। तो अब समझे कि रोज़ा खुल गया है, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया है, तो इंशाल्लाह काम स्टार्ट होने लगा है, तो आपको बहुत जल्द प्रदर्शन भी मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सामने ये सारा हैदर ब्लॉक है, तो इसमें काफ़ी इन्होंने ये सारा लेफ्ट सारा जो है ये हैदर ब्लॉक ही है। तो आगे इंशाल्लाह मैं सारा कुछ दिखा देता हूँ। तो ये सारा हैदर ब्लॉक ही है। तो आगे अली ब्लॉक है, तो हैदर ब्लॉक में लोगों को प्रदर्शन मिल चुका है जी, तो कुछ अली ब्लॉक में भी मिल गया है, और बाकी ये सीडी की तरफ हम जा रहे हैं, तो वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा उधर खड़े होकर 2 मिनट, ताकि आपको सही समझ आ सके। तो जिस तरह ही
सीडी की लोकेशन जो है ना वो बिल्कुल बिल्कुल जो है वो रोड के परली तरफ है। तो ये सारा जी हैदर बुला के ये वाला, ये पत्थर शत्थर डल चुका है और लोगों को पदेशन मिल गया है, ये चेक करें, ये सारा तैयारी हो चुकी है। तो अब कारपेट करना है इन्होंने रोडों को, तो वो बाद में करते रहेंगे। तो जिस तरह ही सीडी वालों को भी इस तरह नक्शा बना नज़र आएगा तो वो प्रदर्शन में मिल जाएगा और वो खुश हो जाएंगे। तो ये आगे जी ये हैदर ब्लॉक है सारा, वो दरख्तों तक आगे अली ब्लॉक है। तो ये हम राइट मुड़ेंगे और आगे सीधा सी डी, तो परली तरफ हैदर ब्लॉक अली ब्लॉक। तो ये बिल्कुल सामने जाएं तो आगे इन्होंने थोड़ा सा रास्ता परली तरफ निकाला हुआ है, तो वो सी डी को रास्ता जाएगा। आगे जो रोड है, एक रोड आगे नूरे वाला, तो ये सारा अली ब्लॉक है जी आगे इधर। तो आगे सीधा जी सी डी की तरफ चलते हैं। तो आज सीडी वाले खुश हो जाएंगे जनाब, क्या बात है। तो अल रहमान गार्डन वाले बिल्कुल ब्रांड है जी, ब्रांड बिल्कुल। तो ब्रांड ने अपना काम दिखा दिया है। तो ये सामने बिल्कुल जनाब आगे सीडी की लोकेशन है, ये दोनों इमारतों के दरमियान से जो रास्ता निकल रहा है आगे की तरफ, तो ये सामने सीडी है। तो ये जो रोड है ना, इसके नीचे से अंडरपास बनेगा, अंडरपास बनेगा ताकि सड़क से कोई कनेक्शन नहीं होगा किसी का। तो इसके नीचे से अंडरपास बन जाएगा और ये फेस 7 और हैदर ब्लॉक अली ब्लॉक से आप सीधा अंडरपास के ज़रिए परली तरफ सीडी में जा सकेंगे। तो हो सकता है सीडी का जो गेट है, वैसे भी वो सड़क पे कुछ ना लगा ही दें, लेकिन इसको मिलाने के लिए वो अंडरपास बनाएंगे यहाँ, ये बिल्कुल सामने। तो ये अंडरपास बनेगा तो उसके उससे आप ये कनेक्ट हो जाएगा सीडी इस तरफ, हैदर ब्लॉक और अली ब्लॉक और ABC। तो ये सारे कनेक्ट हो जाएंगे जनाब, ये सामना रोड है तो यहीं अंडरपास बनेगा। तो ये जनाब मैंने आज आपको लोकेशन दिखाई सीडी की। तो यहाँ से 200 फुट वाला रोड गुजरेगा इस जगह से, तो जो ये सीधा चला जाएगा अली ब्लॉक की तरफ, तो आगे जो ब्लॉक नए बनेंगे उस तरफ और परली तरफ सीडी की तरफ मुड़ जाएगा। तो इसी के साथ जनाब ब्लॉक का करेंगे जी एंड। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह जिस तरह ही आगे अपडेट आती रहेंगी जी, मैं इंशाल्लाह आपको हर वक्त जो है वो इंशाल्लाह वो वीडियो बनाते रहेंगे उसकी और आपको दिखाते रहेंगे। तो ये सामने बिल्कुल जनाब।